हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन खत्री। मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपी, रवा रोटी बनाऊंगी। ये साउथ के साथ ज्यादा बनाई जाती है। इस रवा रोटी के साथ मैं एक आसान सी और टेस्टी सी चटनी भी बनाऊंगी। सुबह की भागदौड़ में ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से बन जाता है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रवा रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कप रवा लिया है बारीक वाला। ये सूजी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं है तो जो हम नॉर्मली सूजी यूज करते हैं उसे आप ग्राइंडर में थोड़ा सी पीस कर इस तरह से बारीक बना सकते हैं। अब इसमें डालूंगी 1 बाउल फ्रेश नारियल ग्रेट कर लिया है मैंने, 2 कैरेट ये भी मैंने ग्रेट कर लिए, 2 अनियन प्याज बहुत ही बारीकली चॉप कर लिया है मैंने, 8-10 कड़ी पत्ते बारीक चॉप किए हुए, 3-4 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक सी चॉप की हुई, तीखा आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा कम ज्यादा, 1 चम्मच डालूंगी नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा, 1 चम्मच साबुत जीरा। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ऐसे ही एक बार बिना पानी डाले हुए। मिक्स कर अब मैं इसमें थोड़ा सी पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और भूनते रहेंगे, एक डो का टेक्सचर करना है हमें इस तरह से। फिर से थोड़ा सी पानी डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालते जाना है और गूंथते रहना है इस तरह से। अच्छा एक डो का टेक्सचर कर लिया है मैंने इस तरह से। अब मैं इसमें एक डाल देती हूँ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स, ये रोस्टेड चना दाल, फूटना दाल भी कहते हैं इसे। ये ऑप्शनल है बट अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो। इससे बीच बीच में एक क्रंची सा बाइट आएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी रोटी। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले फूटना दाल सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इस डो को मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। अब इस रवे के डो को मैं ढक देती हूँ, ढककर लगभग 10 मिनट के लिए हम साइड में रखें। 10 मिनट में ये थोड़ा सी रवा फूल जाएगा और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। रवा सेट हो जाए जब तक हम साइड में चटनी बना लेते हैं फटाफट से। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 बाउल नारियल लिया है फ्रेश नारियल, काट कर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं हमें। इसी के साथ डाल देती हूँ 1 छोटा बाउल फुटाने की दाल, रोस्टेड चना दाल लगभग 3 चम्मच लिए मैंने, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर लिया मैंने, और 2 लहसुन की कली, सिर्फ 2 ही डालनी है हमें, ज़्यादा नहीं। अगर आपको पसंद है लहसुन का फ्लेवर तो ऐड कर सकते हो, वरना पूरा ही स्किप कर सकते हैं। अब डालूंगी थोड़ा सा पानी, 1/2 ग्लास जितना। अब इसे पीस लेती हूँ, मैं बहुत ही अनोखे तरीके से बना रही हूँ, हल्का से पीसूंगी, फिर बाद में और कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने पीस लिया है हल्का से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया, ये मैंने इसकी डंडी रखी है थोड़ी, इस डंडी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती, इसलिए हमें इस तरह से डंडी के साथ ही हरे धनिया को लेना है। थोड़ी सी लेंगे पुदीने की पत्ती, 2-3 चम्मच जितनी। हरा धनिया और पुदीने की पत्ती हमें अच्छी तरह से धोकर लेना है। थोड़े से डालूंगी कड़ी पत्ता, 10-12 पत्ते। फिर से थोड़ा पानी ऐड करूंगी, 1/2 छोटी ग्लास। फिर से एक बार मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ इन सबको। इस तरह से मैंने चटनी पीस ली है, टेक्सचर आप ठीक या पतला आपकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब इस पर मैं लगाऊंगी तड़का। चटनी को मैं बाउल में ले लेती हूँ। तड़के के लिए मैं 1 पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच डाल दूंगी राई, थोड़ी सी हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते डाल देती हूँ 10-12 पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ कर ली है, 1-2 सेकेंड फ्राई होने देते हैं मिर्ची को। मिर्ची करी लिए सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तड़का बनकर रेडी हो गया है। मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। अब ये तड़का हम चटनी पर डाल देते हैं। नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गई है, रवे का डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है, चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम रवा रोटी बनाना शुरू करते हैं। रवा रोटी बनाने के लिए मैंने एक राउंड शेप की इस तरह से पॉलीथीन कट की है, इस तरह से मैं एक पॉलीथीन लेनी है। इस शीट को मैं हल्का सी ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सी ऑयल डालना है और अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। अब थोड़ा सी ये
रवे का डो लेंगे इस तरह से इतना, और इसके ऊपर रखूंगी और थोड़ा सी हम पानी में हाथ डिप करेंगे और इसे फैलाएंगे, फिर से थोड़ा डिप करना है और फिर से फैलाएंगे अच्छी तरह से, इस तरह से फैलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी में हाथ डिप करते रहना है और फैलाते रहना है। इस तरह से हमें फैला लेना है रोटी को। मैं रोटी बना ली है इस तरह से। अब एक मैंने तवा लिया है, तवे पे मैं हल्का सी ऑयल डाल देती हूँ, ग्रीस कर लेते हैं तवे को, अच्छे से फैला लेती हूँ इस तरह से। अब इस गर्म तवे पर हम ये रोटी डाल देंगे, इस तरह से उल्टा करना है और धीरे से ये पॉलिथीन को हमें इस तरह से निकाल देना है, बहुत ही इजीली से निकल जाएगी, देखिए इस तरह से। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ये पकता है जब तक हम दूसरा बेलकर रेडी कर लेते हैं। ऊपर से हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हल्का ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है, तब हम थोड़ा सी ऑयल डालेंगे ऊपर आधी चम्मच जितना, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। हल्का सी नीचे कलर चेंज हो गया है, पलटा लेते हैं इस तरह से, दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा हो जाए जब तक हम इसे पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, नीचे भी अच्छी तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गई है। सारी रोटी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, दूसरी भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। दूसरी मैंने अच्छी तरह से बना ली है, सारी रोटी मैंने बना ली है इस तरह से। रवा रोटी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे नारियल की चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।